हाँ दोस्तों, हमारे 3FS टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे, ये हमारे पास सैमरॉन की बैटरी आई है और ये बलोरो में लगी थी। इस बैटरी की सबसे मेन प्रॉब्लम ये रही है कि ये बैटरी समथिंग 2 महीने से 3 महीने गाड़ी से उतार कर उन्होंने घर पे अपने रख ली है, और रखने के बाद फिर उन्होंने ये बैटरी चार्जिंग लगाई। चार्जिंग लगाते वक्त उन्होंने ये देखा नहीं, ये बैटरी उल्टी चार्ज है। उल्टी चार्ज कैसी होती है, क्या होती है, ये हम आपको बताएंगे। उल्टी चार्जिंग क्या पहचान है, कैसे होगी, तो इसके लिए हम आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, ये तो हमारा चार्जिंग का प्लग हो गया, जो अभी हमारा बाहर आपको दिखा सकते हैं। और मेन कारण क्या है, जब हम अपनी बैटरी के जे हमारा माइनस में जो हमने पीला वाला प्लस में लगा रखा है, माइनस हमारा ये नीला तार है, सीधी लगाएंगे तो कायदम हमारी ये एम्पियर की सुई उठनी नहीं चाहिए। जो आपको हम दिखाएंगे चेक करके, ये प्लस पे प्लस हमने लगाया, ये हमारा माइनस रहा, जो चेक करेंगे ये आप देख लीजिए, ये एम्पियर ले रहा है, इस टाइम एम्पियर ले रहा है। तो दोस्तों, अब हम उल्टी लगाएंगे, सी उल्टी लगाने देखना बिल्कुल एकदम क्लियर, मतलब ये जो है इसी टाइप से उल्टी ये बैटरी चार्जिंग। जैसे आपको एक बार हम प्रैक्टिकल के तौर पे दिखाएंगे, ये बैटरी हमारे पास चार्ज है, माइनस के लिए हम ये लगाएंगे ये, प्लस के लिए ये हम लगाएंगे पीला, जो आप देख सकते हैं कोई सुई नहीं थी। इन्वर्टर की तरफ हम कैमरा मैन थोड़ा हमारा इन्वर्टर तरफ लाइए, आप देख सकते हैं पूरी तरीके से लगा हुआ कोई नहीं। अब यही हम उल्टी लगाएंगे इस टाइप से, केवल हल्के, क्योंकि ये हमारा फुल चार्ज है, एम्पियर उठेंगे, देखिए बाकायदा एम्पियर उठेंगे। अगर उल्टी हमारी बैटरी लगाएंगे तो ये पूरी तरीके से बता देगा उल्टी लगने में क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, क्या होता है, जो हमारी गर्म प्लेट है चार्जिंग होने के बाद वो ठंडी में परिवर्तित हो जाती है, ठंडी जो होती है गर्म परिवर्तित हो, इसलिए बैटरी हमारी उल्टी हो जाती है। इसलिए हम इसको सीधा लगाएंगे, सीधा लगाने के बाद हम देखेंगे ये बैटरी सही होगी या फिर नहीं होगी। तो क्या सवाल भाई, ये बैटरी उन्होंने क्या उल्टी चार्ज कर दी थी? बिल्कुल, ये बैटरी उल्टी चार्ज हुई, जो लगाते समय उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इसलिए दोस्तों क्या करना, पहले हम ये देखेंगे थोड़ी सी बैटरी हमें ये डाउन करनी पड़ेगी, देखेंगे इसमें है क्या चार्जिंग है कुछ या नहीं है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने मोटा सा वायर लेंगे, और बिल्कुल आप देख सकते हैं बिल्कुल भी बैटरी हमारी कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन एम्पियर ले रही है। अब इसके लिए हम सीधा लगाएंगे, फिर देखेंगे बैटरी चार्जिंग होगी या फिर नहीं होगी। ये ठंडा वायर हो गया हमका, और इसके बाद ये हम गरम वायर जो एम्पियर उठ रहे हैं आप देख सकते हो, हालांकि ये इन्वर्टर के लिए गलत है क्योंकि इसमें जो मार्कर हमारे होते हैं वो सेकंड पहले उड़ जाते हैं। तो हम अब अपना प्लग लगाएंगे, ये आप देखना उल्टी के लिए एम्पियर उठ रहे हैं, और अब हम सीधी इसको चार्जिंग करेंगे। प्लग हमने लगा दिया है, बाकायदा हम देखेंगे क्या होगा, बैटरी कितनी देर में हमारी उठेगी या फिर नहीं उठेगी। तो अभी ये सवाल भाई सीधी लगी हुई है ना, इस टाइम हमने बैटरी सीधी लगा रखी है। तो जैसे जैसे हमारी बैटरी थोड़ी चार्जिंग होती रहेगी, उसी प्रकार से हमारे इस इन्वर्टर की सुई ऑटोमेटिक ऊपर जाएगी। तो दोस्तों आप देखते रहना। तो दोस्तों, आपने देखा कि पूरी तरीके से हमारी जो बलोरो गाड़ी की बैटरी थी अब उठ चुकी है, हमारे 15 से 20 एम्पियर चार्जिंग आ चुकी। जैसे हमारी बैटरी उठती जाएगी और हल्के हल्के नॉर्मल चार्जिंग होती जाएगी। तो अगर यदि आपको ये हमारा तरीका सही लगा हो वीडियो बनाने का, तो इसी प्रकार से आप अपनी वीडियो बना सकते हो, बैटरी सही कर सकते हो। तो ये वीडियो हमारी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें कि आपको किस प्रकार की कैसी वीडियो चाहिए, उसी प्रकार के हम कमेंट में पढ़कर वीडियो बनाएंगे।